लखनऊ में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक ड्राइवर ने दो बच्चियों को उनकी माओं के सामने ही रोड रोलर से रौंद दिया। बच्चियों को बचाने के लिए माएं चिल्लाती रही और चीखती रही, लेकिन कान में ईयरफोन लगे होने के कारण रोड रोलर ड्राइवर ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी और उनके कलेजे के टुकड़े को उनके सामने ही रौंद दिया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। इसे हादसा कहें या फिर इसे लापरवाही, लेकिन एक छोटी सी भूल ने दो माओं के कलेजे के टुकड़े को उनसे छीन लिया। ये वाक्या लखनऊ के एलडीए की बसंत कुंज योजना में हुआ। हादसे के बाद ठेकेदार, रोड रोलर और जेसीबी पर मौजूद सभी लोग भाग निकले। पीड़ित परिवारों को ठेकेदार की ओर से 3-3 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है। यहाँ पर आज ये बरी गांव, थाना ठाकुरगंज में बरी गांव पड़ता है, वहाँ पर ये दो बच्चियाँ हैं जिनकी उम्र लगभग 4-4 साल थी। यहाँ पर कार्य चल रहा था, उस कार्य के दौरान जो बुलडोजर होता है उसके चलने से उसके नीचे दुर्घटनावश आ गई हो, जिससे उन दोनों बच्चियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। और मौके पर लोगों के सहयोग से और पुलिस प्रशासन के सहयोग से उनको भिजवा दिया गया है मर्सरी। उनके परिवार वालों से भी वार्ता की जा रही है और जो भी समुचित उनके लिए हम लोग कर पाएंगे, प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी मदद होगी उनकी करवाई जाएगी और जो इस संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई है वो हम लोग अपना करेंगे। जो चालक था वो अब कहाँ पर है और किस तरीके? वो इस समय नहीं है हम लोगों के पास में, हम लोग पता कर रहे हैं कहाँ चालक मौके से फरार है। जी बराबर बड़े आदमी ने कत्ल किया, जेल गए।